हेलो एवरीवन, आज मैं किचन के साथ साथ अपने कल की पूजा की तैयारी भी कर रही हूँ। कल ब्रह्मावस है, बरगद की पूजा सभी को पता होगा, सभी लोग क्या होती है। तो कल बरगद की पूजा, इसलिए मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। मेरे एक ये मटकी ले ली, मेरे मटकी में सब कुछ सामग्री, पूजा की सामग्री, पूड़ी पुआ वगैरह जो बनाया जाता है, बरगद वगैरह सब इसमें डालते हैं, इसलिए मेरे मटकी ज़रूरी होती है। मैंने मटकी ले ली और खरबूजे, चार खरबूजे, हम दो लोग पूजा करने वाले हैं, मेरी बहू और मैं, और कच्चे आम और बैंगन और ये केला, फल कोई भी और भी ले सकते हैं, जो मर्जी चढ़ाइए। ये सब मैंने ले लिया है, ये सब पूजा में बहुत ज़रूरी होता है इसका चढ़ाना, तो ये सब चीज़ ले लीजिए। आज सुबह से आप जल्दी से बाजार जाइए और लेकर आइए मार्केट से, नहीं तो ये शाम तक सब खत्म हो जाएगा। शाम को जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बैगन तो भूढ़े नहीं मिलता है, क्योंकि मैं तो अभी सुबह सुबह मंगा ली हूँ। देखिए इतने छोटे छोटे बैगन, कितने प्यारे छोटे बैगन ही दान किए जाते हैं पूजा में, यही रखे जाते हैं। और ये कच्चे धागे की धागा, दो उंगली मैंने मंगाई है, इसके माले बनाएंगे। माले 5 या 7 बनाते हैं, जैसे दो लोग हैं तो दो लोग अपना अपना, और बरगद के लिए मटकी में पहनाते हैं, इस तरीके से माले 7 माले बना लेते हैं और उनको पीला हल्दी से रंग लेते हैं। वैसे बहुत लोग पीला धागा भी आता है, पीले कलर का धागा हो तो रंगने की जरूरत नहीं, मगर ये वाइट है इसलिए हल्दी से इसे कलर कर लेंगे और इसके माले बना लेंगे। ये सब सामग्री ब्रह्मावस के पूजन में होती है। और बहुत लोग यहाँ पंखा भी होता है, सुहाग का सामान भी ले लेते हैं, मगर हम लोग यहाँ पंखा कंपल्सरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है पंखा ले, तो मेरे यहाँ बस इतना ही सामान लगता है। तो मैंने सारी तैयारी कर ली है, कल सुबह सुबह उठेंगे, पूजा का सामान बनाएंगे और जल्दी से पूजा कर लेंगे, इसलिए मैंने सब आज भी सारी तैयारी कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, कैसे लगा आप लोग को, आप लोग भी तैयारी करिए कल की, कल का बहुत महत्वपूर्ण पूजा है। जैसे करवा चौथ होती उसी तरीके से ये भी है, सब लोग खूब सजिए संवरिए और ब्रह्मावस की पूजा करिए, बरगद की पूजा करिए और आशीर्वाद लीजिए। सबकी पति की आयु बहुत लंबी होगी, सबका सुहाग अमर रहेगा, इसलिए इस पूजन किया जाता है। तो इस पूजन को आप विधि विधान से करिए और आशीर्वाद भगवान से लीजिए, सभी को भगवान सुहाग अमर रखे और सभी की पति की आयु लंबी हो। नमस्कार फ्रेंड्स।